फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं मशात, हमारे जुबैल एरिया में। इन्होंने एग्जीबिशन विंटर कार्निवल के नाम से दी हुई है, उधर हम आए अपने गेस्ट को लेके और अभी हम अंदर चलते हैं। पहले भी आप मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके होंगे, हम ऑलरेडी यहाँ का जो है एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट हम दोबारा ये एक्सप्लोर करने आए, तो आइए आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं, चलिए साथ। अभी हम अंदर जा रहे हैं, हबी ने एज यूजुअल मुझे दे दिया है कैमरा। ये देखिए शॉप्स वगैरह तो बंद है ये पीछे सारी, फिर क्या करूँ, शॉप्स तो बंद है, अंदर से देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा मकशात के हवाले से, यहाँ पर पूरी शॉप जो है पहले ओपन थी, अब जो है यहाँ पर ये सारा बंद है। तो वैसे तो ये पूरा एग्जीबिशन सेंटर था, मुख्तलिफ सऊदी के कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेगरेंस थी, परफ्यूम थे और इतर थे, बहुत सारी चीज़ें थी और झूले भी हैं। बाकी अभी जो है मतलब कि पूरे तरीके से खुले नहीं हैं, अभी हम चलते हैं मज़ीद आगे। का मेरा आने का मकसद ये था कि मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनिक एक डिटर्जेंट था जो कि कपड़ों के लिए, मतलब कोई भी अगर आपके कपड़ों पे स्टेन है कोई भी, जो कि बहुत ही ज़िद्दी दाग है, जैसा कि इंक हो गया या कोई भी स्टेन है कॉफ़ी का हो गया, वो रिमूव कर सकते हैं उस ऑर्गेनिक स्प्रे के साथ। तो देखते हैं अभी। ये इधर छोटे बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है और इसके भी चार्जेस हैं, मतलब आप फ्री नहीं हैं, बच्चे कुछ पैसे दे के मतलब यहाँ पर कुछ टाइमिंग के हिसाब से खेल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों की फेस पेंटिंग हो रही है और ये है वो झूले। जी कैमल राइड आप बच्चों को करवा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी है और ये झूले भी हैं। इस दफ़ा कुछ रौनक कम है क्योंकि जो मेन पीक टाइम था वो तो गुजर चुका है, पर अब ये एंडिंग चल रही है इस सीज़न की। ये बड़ा मस्त ज़बरदस्त है, इसमें मैंने एक वीडियो देखी थी, लोग जो है इधर उधर गिरते और लुढ़कते फिर रहे थे, पर ये बच्चे उन्होंने पकड़ा हुआ है जो लोगों को अच्छे तरीके से। ये जी बच्चों के लिए बहुत अच्छा शुगर का टाइम, वो देखें वैसे बच्चा स्लिप होके आ रहा है। ये छोटा कैसल है और वो बड़ा कैसल है, ये कैसल के ऊपर बच्चे क्लाइंब करके जाते हैं, फिर वहाँ से जो है स्लिप होते हैं नीचे। ये जी एरिया है, पहले जिस टाइम हम आए थे उस टाइम कॉन्सर्ट चल रहे थे इधर और मतलब कि बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, उस टाइम इनका जो है फाउंडिंग डे था, और अभी इस टाइम जो है पुरसकून माहौल चल रहा है। पहले यहाँ लोगों की बैठने की जगह थी, अब इन्होंने ये कुछ पार्क बना दिया जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, काफ़ी चेंजिंग कर दी है। मैं आया था यहाँ पर, इन्होंने पहले एक करेंसी की शॉप इधर, मतलब करेंसी एग्जीबिशन सेंटर बनाया हुआ था जो कि अब नहीं है, अब यहाँ पर ही कोई पेंटिंग एग्जीबिशन है, वो देखते हैं क्या है। आपको कह रहा था करेंसी एक्सचेंज है, वहाँ पर अब ये पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी हुई है, तो यहाँ डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग है जिसमें से मुझे ये बहुत पसंद आई है, इसमें मतलब एक नेचुरल आर्ट है, मतलब इसमें स्टोन्स को जमा करके जो है बनाया गया है, तो ये मैंने मुझे अच्छा लगा है। तो उनको पता नहीं कि प्राइस कितनी है, पर वो आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो पता करके बता रहे हैं। बाकी ये दूसरे ये आर्टिस्ट की जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी मैंने ये जाना इन पेंटिंग वाले लोग से कि यहाँ पर पहले जो एग्जीबिशन था जो है मतलब करेंसी एक्सचेंज थी, अब यहाँ पर जो है ये फ्लावर फेस्टिवल इन्होंने लगाया हुआ है, तो अभी हम इसको अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो उनका रब्ता हो गया पेंटर से जो मुझे पेंटिंग चाहिए थी, उनसे वो पता कर रहे हैं कि कितनी है प्राइस। पेंटिंग की जो प्राइस दी थी वो 500 की थी, उन्होंने कहा 50 रियाल आपको डिस्काउंट दे देंगे अगर आपको चाहिए। मैंने कहा कि चले मैं सोच के बताता हूँ मतलब कट लो। वैसे अगर आप वीकेंड पर आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये सेटिंग की बहुत अच्छी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है, तो यहाँ आके आप रिलैक्स हो सकते हैं और मतलब बहुत अच्छा वेदर है आजकल, तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ।
ये जी मुख्तलिफ किस्म के जो इन्होंने बाज रखे हुए हैं, और ये जो है मतलब कि इनसे मैंने पूछा ये कहाँ कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा साइबेरिया, पाकिस्तान, रशिया और भी मुख्तलिफ ममालिक के ये रखे हुए हैं। अगर आपने इनको हाथ में लेके तस्वीर खींचनी है तो 20 रियाल हैं इसके। इसको इन्होंने बिना कवर आंखों के रखा हुआ है, पर बांधा हुआ है ये, इसके पैर बंधे हुए हैं, खोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत खूबसूरत परिंदा। अच्छा ये पहले नहीं था, अब इन्होंने ये बनाया ये सारा, पहले तो क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट था, अब जो है इन्होंने इसको और मज़ीद जो है, और अभी भी रिनोवेशन चल रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू इनका ये एरिया एग्जीबिशन के तौर पे रखने का प्लान है। तो अभी जैसे कि फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है तो इधर इन्होंने ये रखा, अभी हम अंदर चलते हैं इधर, तो जब तक ये बाहर बार जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। ये ओल्ड मॉडल मस्टैंग का इन्होंने रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, नंबर प्लेट भी लगी हुई है इसकी। तो अच्छा मदीना तल जहूर, इसकी जो है मुख्तलिफ इकसाम रखी हुई हैं इधर इन्होंने, ये पिंक रोज़ है और ये रेड रोज़ है, ये पूरी स्मर्फ की थीम पर इन्होंने ये एरिया बनाया, जैसे कि एक कार्टून आते हैं स्मर्फ, उसके उनका जैसा गांव होता है या मतलब रहने का स्टाइल होता है, और इन्होंने कुछ डमीज भी रखी हुई हैं स्मर्फ की। ये एक इन्होंने बोट की तर्ज पे एक घर बनाया हुआ, पर बच्चे जा रहे हैं, पर मैंने कहा कि यार मैं अब क्या जाऊँ, चलें। तो शुगर एंड रश, बेचारा पुल मुरझा गया है, और ये शुगर मतलब जो कैंडीज हैं मार्शमेलोज, उसके डिज़ाइन पर इन्होंने कुछ बनाया हुआ इधर। अच्छा यहाँ पर आप पिक्चर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर जाके बच्चे आ जाएं अपनी पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। हम फिलहाल इधर जो है इनके सिटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और फैमिली जो है कुछ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं, तो अब रिफ्रेशमेंट आई है हमारी, और जिसमें है फ्राइज़, लोडेड फ्राइज़ विद चीज़ एंड रेंच फ्राइज़। अच्छा तो जी हम ये इंजॉय करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। टाइम जब हम वीकेंड पर आए थे तो इसकी टिकट थी 20 रियाल पर पर्सन, अब जो है 10 रियाल पर पर्सन है। तो आज भी वीकेंड है बेसिकली, उस टाइम भी हम वीकेंड पर ही आए थे, तो अब यूजुअली जो है इन्होंने मेरे ख्याल में लगता है कि फ़ीस जो है कम कर दी है। हम जी आ गए हैं फिर उस एरिया में जहाँ पर ये प्रीशियस बर्ड्स मौजूद हैं। हेलो, ओ भाई डर ही लगा रहता। हेलो किए हो, गुस्सा क्यों किए हो? अच्छा भाई नाराज नहीं हो, हाथ हाथ देखो गुस्सा गुच्छा बोलो। हाय यू, ओ माय गॉड, बेबी है बेबी। अबे भाई नाराज नहीं हो यार, आगे स्वाद। ये तो नाराज हो रहा है, काटने को दौड़ रहा है। यार हम जब भी आते हैं तो ये सोने की तैयारी मत, बाबा हेलो डाल। वो देखो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, मामा पास जाओ। मस्तियाँ देखो इनकी, मस्तियाँ मस्तियाँ चेक करें इन कुत्तों की। हेलो खुश, ये इनकी मस्तियाँ चेक करें जी। मोर कहाँ बिठाया हुआ है इन्होंने शीशे पे, नीचे बतख है और ये मोर है। ये लास्ट टाइम आए थे तो वो दोनों खेल रहे थे। ये बकरी बिटू 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 बाबा टाइल बाबा। हेलो बिटू बिटू, हेलो हेलो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जरा हाथ देना, हाथ दो ना, वो देखो बुला रहा है।
बुला रहा है, बुला रहा है वो, हाँ बुला रहा है। हेलो, वो देखो कह रहा हाथ दो, मैं बैठूं उस पे, है ना? हाँ देखा, हाँ ये देखो ये सारे इधर जमा हुए आगे। चिताओ बाबा, काम चेक करें, मस्तियां चेक करें इसकी। तुम बात ही नहीं कर रहे कोई, या बाबा ये जी हिरन है इधर, और ये परों वाली मुर्गी है, और वाइट मोर है। आ, क्या ड्रामा, ये बड़ा ड्रामे बात है, बोल तो रहा ही नहीं है, क्या हुआ? अबे आगे भी तो बोल कुछ भाई, नहीं हेलो हेलो बाबा बाबा, मिटू मिटू हंस रहे हो प्यारे बच्चे, मिटू मिटू हेलो हेलो। इस बर्ड का नाम है लोरिनी, और ये बेचारे सो रहे हैं इस टाइम। अब क्या हुआ? ये देखें जी, ये बुलडॉग की नस्ल है, और इस नस्ल का नाम पता नहीं है। क्या बाबा, क्या बाबा, बाबा क्या बाबा, तो काटो। हाँ ये बुड्ढा है, तो काटो, तो काटो, तो काटो, क्या बोल रहे हो बाबा, बाबा बाबा, या बाबा 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 बाबा, वो काटो बोला वो। अच्छा, मुझे जो यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे पता चला है कि ये बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सारे परिंदे और जितने भी यहाँ पर ये डॉगीज वगैरह घूम रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं बच्चों से। ये लास्ट टाइम मैं आया था तो चुप ही था, इस टाइम में ये बहुत बोल रहा है, ये गलत होता। ये दोबारा ये फ्लावर फेस्टिवल की तरफ से आ गए, मैं तो उस टाइम घुमा था, अब फैमिली को घुमाना है इधर। ये वॉक्सवैगन के बीटल को सजाया हुआ इन्होंने फ्लावर से, ये हैं तो सारे आर्टिफिशियल फ्लावर बट बहुत, और नीचे जो है ये रियल है, बाकी ये आर्टिफिशियल हैं, इसके ऊपर जो सजाए हुए हैं। कुछ इन्होंने एरिया बनाया हुआ जिसमें बारबी का है, और बच्चों के हवाले से यहाँ पर आप पिक्चर वगैरह खिंचवा सकते हैं। उन्होंने ये जी एरिया पहले नहीं था, अब इन्होंने इस तरह बनाया है, जैसे कि मतलब रूरल एरिया में, गांव वाले एरियाज़ में इनके बने होते हैं एरियाज़, मतलब शॉप्स वगैरह, उस तरह के इन्होंने जो है टी शॉप्स और कॉफ़ी शॉप वगैरह बनाए हुए हैं। बाकी अगर आपने इन इधर बैठना है, इधर सोफ़ा सेट पर, या आपने इसके अंदर बैठना है, तो 30 रियाल जो है पर आवर इसका चार्ज करते हैं। ये जी इधर कोई म्यूज़िक बजा रहा है, अरबी में कहते हैं इसको रुबाब, रुबाब बजा रहा है कोई, तो सब लोग इर्द गिर्द खड़े होके उसका ये सुन रहे हैं।
मैनेजर के साथ कनेक्ट किया हुआ, इसलिए अच्छी खासी आवाज जो है आ रही है। तो जी हम अब आहिस्ता आहिस्ता अपने वापस की तैयारी में हैं और यही था। वैसे काफ़ी सारे जो कॉफ़ी शॉप स्टॉल वगैरह हैं वो बंद हो गए और ये मेन एग्जिट और इंट्रेंस गेट है। तो दोस्तों ये थे मशकात के मनाजिर। तो अब हम जा रहे हैं जुबैल सिटी सेंटर की तरफ, उधर से हमने कुछ ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदनी है, तो हमने सारा घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। दोस्तों हम लोग मशकात से घूम के उसके बाद हमने कुछ घर के लिए ग्रॉसरी वगैरह परचेज़ करनी थी, तो वो सारी चीज़ें करके आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद है तो लाजिम लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।